यशो यात्रा जल्दी लोगों के सामने नहीं आती है और उनकी विदाई समारोह भी हमारे समझ में नहीं आता। शिवपूजन जी एक शिक्षक हैं, लेकिन शिवपूजन ने अपने शिक्षक का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने समाज में एक ऐसी जगह बनाई है कि आप सब लोग देख रहे हैं कि लगातार एक उत्सव चल रहा है इस मुंबई शहर में। हर कोई इतना आतुर है कि शिवपूजन जी के 31 अक्टूबर के उनकी विदाई, उनकी सेवा समाप्ति तो महापालिका से हो जाएगी, लेकिन आप रिटायर्ड हैं लेकिन टायर्ड नहीं है। लगता ही नहीं उस समय हम लोग यहाँ जो उपस्थित, जिसमें से कम से कम 90% ऐसे लोग हैं जिनका जन्म तारीख सही नहीं होगा। जून जुलाई में बेटा जो वगैरह जाते थे, 5 साल का बेटा पूरा हो गया, कहीं का जन्म तारीख कहा हुआ है, 5 साल पहले वाला लिख दे, मास्टर जी लिख रहे पक्का। फिर कुछ विद्वान कहा कुंडली बनाएंगे, तो कुंडली जो शहीद बड़ा होता है, लेकिन शिवपूजन जी आपकी कुंडली जो है, आप जब जन्म लिए होंगे, आप उत्तर प्रदेश जौनपुर की धरती से मुंबई शहर में आए होंगे, वो जो यात्रा आपकी रही आज यशो यात्रा के रूप में, यहां किसका नाम लो किसका नहीं नाम लो, शिक्षा सम्राट जो हम लोग बीच बैठे हुए हैं, जो हम लोग समाज के प्रेरणा स्रोत हैं, जो मां सरस्वती के उपासक हैं, पंडित ललित तिवारी जी यहां उपस्थित हैं, राजनीति क्षेत्र से एकमात्र विद्यार्थी कॉर्पोरेशन में मास्टर बहुत होंगे, प्रोफेसर होंगे, ज्वाइंट कमिश्नर होगा, लेकिन एक ही स्टूडेंट सीटर, द ओनली स्टूडेंट इन कॉर्पोरेशन, विद्यार्थी से परमानेंट विद्यार्थी है, कभी प्रोफेसर मिस्टर हो गया। योगेश दुबे से मेरी बात हो रही थी, योगेश दुबे ने कहा भैया इनको घर जाने नहीं देना, ये इसी मुंबई शहर में रहे, ये आपकी अकेले की इच्छा नहीं है। भाई अशोक सुतारे जी इस समरस जो संस्था में डॉक्टर किशोर सिंह ने शुरुआत करी है, ये समरस मुंबई तक सीमित नहीं रहा, ये उत्तर भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन नेपाल तक ये समरस पहुंचा हुआ है। आचार्य धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता कि जब समरस अग्रणी भूमिका में आकर के हम सबों की इकट्ठा करने का है। शैक्षणिक सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आपने सत्कार समारोह रखा, क्या कहना चाहेंगे इसको? चूंकि शिवभोजन पांडे जी का कल स्कूल से रिटायरमेंट हो चुका है, हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं कि ऐसा यूनिक कार्यक्रम किया जाए कि बृहद मुंबई महानगर पालिका के इतिहास में लोग याद करें कि एक बढ़िया सा कार्यक्रम हुआ। अब रहा सवाल पांडे जी का, तो पांडे जी मेरे मित्र हैं, और एक मित्र का, एक मित्र के प्रति क्या धर्म होता है, मैंने उस धर्म का निर्वहन किया है, क्योंकि तो हमारे साथ में काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, तो समरस परिवार से काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, तो हम सब ने मिल के आज इस शिव पूजन यशो यात्रा की, मतलब हमने इसका एक अच्छा सा आयोजन किया, और मैं उसमें अपने समरस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुभकामना तो हम लोगों ने इनको बहुत दिया हुआ है, लेकिन ये भी कहीं कहीं से विश्वसनीय सूत्रों से जब पता चला कि ये गांव की तरफ भागने वाले हैं, मैं कहा गांव के लफड़े झगड़े भी मत पड़ना, वहाँ गए तो ख़त्म कहानी है, रहना है मुंबई में, ये मुंबई है, ये महानगर ऐसा है कि प्यारा सा महानगर है, ये हर एक को जीवन देता है, अगर जीवन जीना है तो मुंबई में रहना है, और जीवन मरना है तो गांव में जाना है, तो ये मान गए हैं मुंबई में रहेंगे। एक लाइन में सर के
मतलब इस व्यक्ति में कि मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतना कम है। निस्वार्थ भाव से ये समाज की सेवा करते हैं, नो डाउट। बेहद मुंबई महानगर पालिका में पढ़ाए हैं तो इनको पगार भी मिला है, लेकिन ये जो समाज के प्रति इनका लगाव रहा है वो लगाव भयंकर रहा। उसमें इनका जो भाव मैंने देखा वो निस्वार्थ भाव में, कहीं पर भी पैसे की लालच, किसी प्रकार का लालच ये इनके मन में मैंने कभी देखा नहीं। इसलिए बड़ा इनसे अपना अपनापन, अपना लगाव रहता है। मुझे लगता है कि आज इस मोड़ से मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। आज समरस फाउंडेशन परिवार, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उन सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा कि सेवानिवृत्ति के बाद समरस फाउंडेशन के लिए और अपने सभी प्यारे दोस्तों के लिए मैं आगे भी संघर्षशील रहूँगा, कार्यरत रहूँगा और काम करता रहूँगा। जी, मैंने 31 वर्षों तक मुंबई महानगर पालिका में शिक्षक पद के रूप में सेवा दी है और मैं समझता हूँ कि इस दौरान मैंने हजारों बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी सुंदर ढंग से उसका निर्वाह किया है। आज हमारे पढ़ाए हुए तमाम बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे अपने बच्चों पर गर्व है।